लक्ष्मण कुंड है, ये देख रहे हो, और माता सीता और राम, प्रभु श्री राम यहीं पास स्नान करते थे। प्रभु श्री राम की नगरी राम रेखा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिंगल लॉग 750 में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखलाने वाला हूँ यार राम रेखा धाम, जो कि सिमडेगा झारखंड में पड़ता है यार। तो अभी हम लोग घर से निकल गए हैं, आधे रास्ते पे हैं और पूरा फैमिली जा रहे हैं यार, बहुत दिनों के बाद आज ट्रेवल कर रहे हैं दोस्तों। चलो यार आप लोगों को दिखलाता हूँ और वीडियो पे आप लोग लास्ट तक बने रहना, चलो चलते हैं और आप लोगों को दिखला रहा हूँ राम रेखा धाम यार। जशपुर 41 किलोमीटर आप पहुँच गए राम रेखा धाम। घाटी प्रारंभ, तो यहीं से अपना घाट प्रारंभ होता है दोस्तों, ये देख रहे हो। इधर भी बड़ा बड़ा चट्टान है और सामने में भी बड़ा सा चट्टान, देख रहे हो पहाड़ पूरा। प्रभु श्री राम की नगरी राम रेखा धाम। और मैप के सहारे आए हैं यार, ये देख रहे हो। और फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंचने ही वाले हैं यार, और जो देख रहे हो टीला वही पास जाना है अभी। बड़ी मशक्क़त के बाद पहुंचे हैं। राम रेखा धाम इधर इधर, और यहाँ से यार गेट है इसका, मेन गेट। यहाँ आते हैं तो टिकट कटवाना पड़ेगा, 4 पहिया 50, मोटरसाइकिल 20, ये देखो इधर 50। दिखाइए सर थोड़ा। ये देखिए श्री राम रेखा धाम विकास समिति। हाँ
I'm kind of gay, guy. और इधर गाड़ी उड़ी पार्क कर दी है यार, ये देख रहे हो यहाँ का जो व्यू है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार। देख रहे हो चारों तरफ पत्थरों से घिरा है और जंगलों से मस्त। और यहाँ से यार व्यू काफ़ी खूबसूरत दिखता है। और इसको बोलते हैं मतलब जो ए वाले में राम और सीता माता नहाती थी इसी कुएं में, और बोलते हैं यार इसका गहराई को आज तक किसी ने नहीं नाप पाया है कि गहरा कितना है। लक्ष्मण कुंड है ये देख रहे हो, और माता सीता और राम प्रभु श्री राम यहीं पास स्नान करते थे। देखो श्री राम वन गमन पथ, प्रभु श्री राम यार अपना जो 14 साल का वनवास काल को यहीं कुछ पल बिताए हुए थे, तो उसी का प्रतीक माना जाता है। अरे देखो यहाँ नारियल सब मिलता है। गरुड़ महाराज जी इधर, और यार ये जो सेट देख रहे हैं ना आप लोग, 65 का सेट है यहाँ, पूरा लूट है। श्री राम श्री सीता चरण पादुका, श्री सीता चरण पादुका, माता सीता जी का परछाई, परछाई नहीं पैर का निशान। और ये देखो दोस्तों इसका गेट है, हर काम में सफल बना है। अगले वर्ष मैं जो भी खेती करूंगा उस खेती को आप सफल बनाएंगे। सब चरण पर गौशाला है जी, राम रेखा धाम का गौशाला। प्रभु श्री राम की नगरी राम रेखा। और इधर देखो दोस्तों किस टाइप से है यार। और देखो यार यहाँ पास मेन गेट वाला है शायद। और ये वाला मेन मंदिर है यार, इधर अंदर वीडियो बनाना मना है, इस वजह से मैं अंदर का आप लोगों को नहीं दिखाया, ये देख रहे हो। और उधर खाना बनाने के लिए है उस साइड में आगे, और उधर जितने भी रहते हैं सब उधर ही रहते हैं और इधर हवन करते हैं। और यहाँ देख रहे हो बजरंगबली जी का, और इस टाइप से है दोस्तों यहाँ का व्यू।
यहाँ का तो व्यू बहुत ही खूबसूरत है। इधर छत में जाने के लिए रास्ता है, ये देखो दान पेटी संत निवास। भोलेनाथ जी का शिवलिंग, चरण पादुका, नंदी, यहाँ से व्यू दोस्तों। इस साइड से भी चढ़ने के लिए रास्ता है कि गेट है, बैरिकेड है, उधर जाना मना है। पवित्र गंगा कुंड, और ये देखो दोस्तों यहाँ यार चारों तरफ जंगलों से घिरा है, और देख रहे हो बड़ा बड़ा चट्टान। इस वजह से यार यहाँ जो धाम है यार राम रेखा बहुत ही फेमस है, ये देखो। और यहाँ यार हर साल कार्तिक पूर्णिमा में मेला लगता है। ये जो सामने में देख रहे हो पूरा ग्राउंड में यार वहाँ ऊपर से लेके यहाँ तक पूरा मेला लगता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। सिमडेगा झारखंड का बहुत ही फेमस जगह है यार ये राम रेखा। तो यार राम रेखा घूम के बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना यार। और मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ राम रेखा यार माता सीता और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण यहाँ जो 14 साल का वनवास हुआ था यार उसी टाइम यहाँ पास भी राम रेखा में कुछ समय बिताए थे। इस वजह से यार यहाँ प्रभु श्री राम की नगरी राम रेखा के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। तो यार आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे में जो रेड कलर का बेल आइकन दिख रहा है उसमें ऑल पर प्रेस कर लेना यार, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड्स करूँ तो आप लोगों तक सबसे पहले वीडियो पहुँचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और बहुत जल्द मिलते हैं यार एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए रहेगा, बाय बाय, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।